हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो एग्जामिनेशन आज से शुरू हो रही है, 15 फरवरी 2020 आज से एग्जाम जो है हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो एग्जाम जाने से पहले बहुत सारी ऐसी बातों का है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, खास करके आंसर शीट जो हम लोग का ओमार शीट भरना है उससे रिलेटेड मैं आज आप लोग से सामने कुछ बातें शेयर करूंगा, और साथ ही क्वेश्चन पेपर लीक्ड के बारे में आज आपसे कुछ बात करूंगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इससे कई सारे बच्चे जो होते हैं गुमराह भी हो रहे हैं। तो पहले हम लोग पेपर लीक के बारे में जान लेते हैं, और इसके बाद आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न के बारे में भी हम जानेंगे, और साथ ही हम लोग आंसर शीट के ओमार के बारे में ओमार आंसर शीट के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पेपर है वो लीक्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें ये आपको बताए जा रहे हैं कि मैथ्स का जो है पेपर लीक हुआ है, और कई बार हर साल ऐसा आप लोग को सुनने में मिलता होगा। तो मे भी कुछ इयर्स में ऐसे हुए भी थे कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस बार से कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है जिसके कारण पेपर लीक का तो इस बार कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और पिछले बार भी अगर लीक हुआ है या कभी भी लीक हुआ है तो कभी भी आपको YouTube पर या फिर किसी वीडियोस के माध्यम से पेपर लीक नहीं हुआ है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझे, किसी भी वीडियो या फिर किसी भी वेबसाइट पर आप लोग को अगर ये दिखाया जा रहा है कि ये पेपर लीक्ड पेपर है तो वो फ्रॉड है, उस पर आप लोग ध्यान ना दें, क्योंकि वो जो है पेपर हम लोग का लीक्ड नहीं होगा, खास करके इस बार। और इससे पहले भी होता था तो वो व्हाट्सएप के थ्रू जो होता था वो लीक्ड हुआ करता था, लेकिन इस बार से कुछ इस तरह का कोड सिस्टम बताया गया है कि CBSE के बिना बिना OTP दिए हुए जो है इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो खुलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल अगर आपको अगर कहीं से दिखाया जाता है तो आप उस पर जो है भरोसा ना करें, और आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कोई दे सकता है, गेस क्वेश्चन कोई दे सकता है, लेकिन कोई अगर आपको ये बोले कि वो जो है लीक्ड क्वेश्चन है तो उस पर आप लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, ठीक है। और सिर्फ वही करके नहीं जाए, आप लोग का जो है इस पे नंबर भी खराब आ सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। अब बात आते हैं आंसर शीट भरने को लेके, जो हम लोग का ओमार शीट है। तो कई सारे स्टूडेंट्स का इसमें कमेंट्स आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए आप लोग के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना के लाऊं। ऐसे तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन एक बार मैं आप लोग को अच्छे से और समझा देना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग का बात आता है कि जो ओमार शीट का जो हम लोग का जो सबसे फर्स्ट में जो अगर नेम अगर हम लोग को लिखना है या फिर कोई भी डिटेल्स फिल करनी है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें या फिर स्मॉल लेटर भी हम लिख सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जब हम लोग का ओमार शीट में भरने के लिए रहता है तो जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट रहेगा, ऊपर में हम लोग का ब्रैकेट में लिख देता है कि इन ब्लॉक लेटर्स या फिर कैपिटल लेटर्स, तो इस तरह का लिखा हुआ रहेगा तो सारे कैपिटल लेटर्स में ही आप लोग को लिखना है, ठीक है। ब्लॉक रहेगा फिर भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, और कैपिटल लेटर लिखा हुआ रहता है तो भी हमें कैपिटल में ही लिखने रहते हैं। तो अगर लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप जितने भी लेटर लिखो, अगर सब्जेक्ट का भी नाम लिखो तो सारे जो आप फॉर्म फिलअप करो तो वो कैपिटल लेटर से ही फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि हम ब्लैक पेन यूज करें या फिर ब्लू पेन यूज करें। तो कई सारे स्टूडेंट्स का इसमें भी कमेंट्स था कि ब्लू पेन यूज करना है। तो देखिए, हमेशा जनरली जो होता है कि ओमार सीट ब्लैक पेन से ही भरा जाता है, लेकिन अगर आपके आंसर शीट जो आप लोग का ओमार शीट मिलेगा उसके पीछे में आप एक बार चेक कर ले, लिखा हुआ रहेगा कि ब्लैक पेन यूज करना है या फिर ब्लू पेन यूज करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, जब भी ओमार शीट आप लोग को मिले तो पीछे एक बार आप जरूर पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है, कौन से पेन का यूज करना है, ठीक है। तो आपको वहां पे जरूर मिल जाएगा कि हम लोग का जो है ब्लैक पेन यानी कि काले पेन का ही यूज करना है। जनरली काले पेन का यूज होता है, लेकिन अगर ब्लू पेन का यूज होता है तो आप उसको कर सकते हैं, या फिर आप एग्जामिनर से भी पूछ सकते हैं। अगर आप जो है पीछे आपको नहीं पढ़ना है तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हैं कि ब्लैक पेन का यूज करें या फिर ब्लू पेन का यूज करें, अगर पीछे आपको अगर ये भी इंफॉर्मेशन ना मिले कि ब्लैक है या फिर ब्लू है, तो इसके लिए आप एग्जामिनर से पूछ सकते हैं। तो ये हो गया ब्लैक और ब्लू का। इसके बाद है रोल नंबर फिल किस तरह से करें, तो इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि हम लोग का जो इस बार रोल नंबर स्टार्ट होगा या तो 1 से होगा या फिर 2 से होगा, ठीक है। हो सकता है क्लास 10th के लिए 1 से हो और क्लास 12th के लिए 2 से हो,
तो हम लोग का जो वन और टू होगा वो सेवन बॉक्स जो होगा उसके पहले लिखना है, ठीक है, और सात डिजिट का जो रोल नंबर होगा लिख लेना है। इसके बाद वर्ड्स के लिए भी हो सकता है लिखने के लिए दिया जाए, तो वर्ड्स में भी आप जो है लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें थी जो आप सभी के लिए जानना जरूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ चीजों को बताऊंगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें।